가되는बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जब से जान से मारने की धमकी मिली है, फैंस उनकी सेफ्टी को लेकर परेशान हैं। धमकी भरा लेटर मिलने के बाद से सलमान की सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने एक्टर को हथियार रखने का लाइसेंस भी जारी कर दिया। खबर है कि दबंग खान ने नई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीद ली है। सोमवार रात सलमान खान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एयरपोर्ट पर सलमान ने टोयोटा लैंड क्रूजर में स्वैग से एंट्री मारी। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। कारवाले.com के मुताबिक सलमान खान की लैंड क्रूज में 4461 सीसी का इंजन है जिसकी पावर 265 bhp है। ये SUV सिर्फ एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इसकी खिड़की के किनारों पर एक मोटा बॉर्डर भी है जिसके बाद से ये कार पूरी तरह से आर्म्ड और बुलेट प्रूफ हो चुकी है। एयरपोर्ट पर सलमान खान पिंक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में नजर आया। सलमान खान के हैंडसम लुक पर उनके फैंस हमेशा की तरह ही क्रेजी हो रहे थे। एयरपोर्ट पर सलमान की सिक्योरिटी काफी टाइट दिखी। सलमान खान को मिली जानलेवा धमकी ने बॉलीवुड गलियारों में हलचल मचा दी है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।